नमस्कार दोस्तों, शर्मा जी की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बिना घी के रवे के लड्डू बनाएंगे, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। चलिए आज हम बिना घी के लड्डू बनाएंगे, जो कि सभी को बहुत पसंद आते हैं। इसका स्वाद भी बहुत ही बेहतर है। इसके लिए हमने 200 ग्राम सूजी ली है, 200 ग्राम शक्कर ली है और 100 ग्राम हमने खोया लिया है। बहुत ही बेहतर खोया है ये, डेयरी पर का खोया है ये, पाउडर वाला खोया बिल्कुल नहीं लेना है हमें। सूजी भी हमने बारीक वाली ली है, मोटी वाली सूजी नहीं ली है हमने। इस तरह से एक हम ऐसा डिब्बा लेंगे और डिब्बे के अंदर हम पहले सूजी को डालेंगे। डिब्बा इसी टाइप का होना चाहिए और ढक्कन भी उसका पैक होना चाहिए। सूजी पूरी डाल दी है हमने, 200 ग्राम सूजी है ये, ढक्कन को पैक करेंगे। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे, कुकर के अंदर थोड़ा पानी डाला है हमने और इस पानी के अंदर अब हम इस डिब्बे को रख देंगे और कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। 3 से 4 सीटी लेंगे अब हम इसकी। कुकर की 3 सीटी हो चुकी है, हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। अब हम तब तक खोए को इस तरह से क्रश कर लेंगे। फ्रिज के अंदर से हमने 1 घंटा पहले ही खोया बाहर निकाल के रख दिया था। अभी खोया हमारा बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया है। 100 ग्राम खोया लिया है हमने, एक बाउल फुल हो चुका है। कुकर पूरा ठंडा हो चुका है हमारा, प्रेशर पूरा निकल चुका है। कुकर का ढक्कन खोलेंगे हम और इस डिब्बे को बाहर निकालेंगे हम। डिब्बा बहुत गर्म है अभी हमारा, इस तरह से कपड़े से पकड़कर बाहर निकालेंगे डिब्बे को। हल्का ठंडा हो चुका है हमारा डिब्बा, अंदर की सूजी गर्म है अभी, इस तरह से हम निकालेंगे। पूरी सूजी निकाल लेंगे हम और अब इसके अंदर गर्मा गर्म सूजी के अंदर हम खोया डालेंगे। खोए को हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे हम इस तरह से। बहुत जल्दी बन जाते हैं ये लड्डू और जो लोग घी नहीं खाना चाहते उनके लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन है ये। 2 दिन तक हम इन्हें खा सकते हैं, ज़्यादा दिन नहीं चल सकते ये लड्डू क्योंकि खोया हमारा ख़राब होने लग जाएगा। 2 दिन के बाद फिर 2 दिन हम फ्रिज में भी रख सकते हैं इन्हें, इससे ज़्यादा दिन नहीं चल सकते ये लड्डू। 3 या 4 दिन से ज़्यादा नहीं चल सकते लड्डू। अच्छी तरह से हमारा खोया मिक्स हो चुका है, अब हम इसके अंदर शक्कर डालेंगे। बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये लड्डू। जितना खोया लिया था हमने उससे डबल शक्कर है ये और डबल ही सूजी है ये। दूध से बना हुआ खोया है ये, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है खोए की। अब लड्डू बनाएंगे हम, फटाफट बन जाते हैं ये लड्डू। बहुत ही अच्छा खोया है ये हमारा। इस तरह से हम सभी लड्डू को तैयार करके एक प्लेट के अंदर रख लेंगे। तैयार हो चुके हैं, तैयार है हमारे बिना घी के सूजी के लड्डू। बहुत ही अच्छे लड्डू है ये। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी रेसिपी को लाइक करना ना भूलिए और सभी लोग शेयर